मिठाई और मुंबई रिटर्न्स की जो सबसे बड़ी खूबी है ये उसका प्रामाणिक और जीवंत दस्तावेज के रूप में पेश किया जाना है। इन दोनों ही पुस्तकों को जब प्लान किया था, जब उसके बारे में योजना बनाई थी, तो वो वक्त था 1992 का, और तब जहन में एक पिक्चर साफ थी, एक छवि बहुत साफ थी कि इस काम को जिस भी तरीके से किया जाए उसमें कहीं भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि उसमें अंडरवर्ल्ड या डॉन्स या उनके शूटर्स वो ग्लैमराइज होते हुए दिखाई दें। उनकी सच्चाई, उनका जो अक्स है, जो उनको आईना दिखा सके, वो उसमें साफ तौर पर आना चाहिए। और वही प्रयास पूरी तरीके से हमने करने की कोशिश की और वो अंततः पूरी तरीके से साफ तौर पर सामने उभर करके आता भी है। जिन्हें भी इस पुस्तक का मसौदा दिया है या ये पुस्तक जो है प्रकाशित होने के पहले जिन्हें भी पढ़ने के लिए दी है, उन्होंने इस बारे में साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है कि इन किताबों में वो कोशिश जो है दिखाई देती है, एक ईमानदार कोशिश मेरी तरफ से की गई है कि हमने किसी भी तरीके से अंडरवर्ल्ड को ग्लैमराइज नहीं होने दिया। लेकिन हाँ, अंडरवर्ल्ड के वो सारे राज फाश करने की कोशिश की है जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आए थे, अब ये जनता में हर हाथ में उपलब्ध होंगे। बहुत सारी ऐसे दस्तावेज हैं जो अदालतों के अंदर बंद रहे, बहुत सारे ऐसी जानकारियां हैं, दस्तावेज हैं या खुफिया सूचनाएं हैं जो कि जांच एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों के पास दबी रहीं, बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं जो कि खुद अंडरवर्ल्ड या मुखबिरों के खबरियों के पास तक सीमित थी। इन सबको इकट्ठा करके कुछ सौ पृष्ठों में समाहित करने की जो ये कोशिश है उसका नतीजा है मुंबई और मुंबई रिटर्न्स।